झलक दिखला जा, फील आती है भाई। अच्छा मतलब पीपीटी सारा काम करने के बाद अब मैं थोड़ा सा फुर्सत मुझे मिली है, तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज का जो मैंने टारगेट अपना सेट किया हुआ था टू डू लिस्ट में, कि वो था पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना और वीलॉग, मतलब इसी का कि हाउ आई क्रिएट माय पॉडकास्ट। आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा, देन आज का वीडियो थोड़ा एंड तक देखना, तुम लोग को थोड़ा सा रियलिटी पता चलेगी कि जैसे एक आर्टिस्टिक साइड जो मेरे अंदर की है वो कितनी क्लमजी है या फिर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो यस, मैं अपना थोड़ा सा रूम भी रिवील करूँगा, तो लेट्स होप हाउ यू रिएक्ट टू इट। दो इट्स माई वेरी इनर स्पेस, में इतना ज़्यादा दिखाता नहीं हो किसी को कि हाँ बैक स्टोरी क्या है, बट यस बहुत मेहनत लगती है। स्क्रिप्टिंग दिखाऊंगा कैसे, वो डायरी में पहले मुझे सोचना पड़ता है बोलने के लिए, लगता है बहुत इम्प्रॉम्प्टू है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टेक्स। कभी कभार पहले टेक में भी हो जाता है, बट कभी कभार ना वो एडिटिंग और ये सब चीज़ें थी वो रिकॉर्ड करना मुश्किल नहीं होता। जो चीज़ मुश्किल होती है वो होती है एडिटिंग, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। सो आज आज मैं तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, डायरीज का क्या रोल रहता है, क्या मेरे सामने डायरी खुली रहती है नहीं खुली रहती। लेट्स सी। दिस इज़ माय रूम, अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के इसको रिकॉर्ड करेंगे पॉडकास्ट को पूरा का पूरा। सो यस, वो लैपटॉप और वो सब चीज़ें जिनका जो भी यूज़ रहेगा। तो हाँ, ये बोर्ड में मैंने अपने टू डू लिस्ट, थोड़ी सी ड्रीम लिस्ट और ये सब बना रखी है, तो आग लॉक रहती है। तो दीज आर माई वर्ड्स एंड द वॉल, यस। एंड इधर हम लोग अभी यहाँ पे बैठ के अपना रिकॉर्ड करने वाले, मतलब ऑब्वियसली जो मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये तो पिछली वाली स्क्रिप्ट का था, जो पिछली वाली 9 क्वेश्चंस का मैंने लिख रखा था जो मुझे बात करनी है। आज वाले पॉडकास्ट में हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, 12 थिंग्स टू रिमेंबर। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने मेजरली बहुत लाइक सिलेक्टिव क्वेश्चंस की अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो हाँ, काफ़ी अच्छे से सिलेक्ट किया हुआ है, सोच रखा है, थोड़ा सा रिसर्च कर रखा है। एंड मैं कोशिश ये करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट बड़ी रॉ रहे, मैं अभी थोड़ा सा सीख रहा हूँ। जैसे SEO और मैं ये सब टर्म्स की अगर बात करूँ कि कैसे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पॉडकास्ट या फिर एक वीडियो को टॉप नीश में ले जाने के लिए, बट मैं उस पर भी उतरूंगा, आई विल डेफिनेटली कम टू दैट पॉइंट एज वेल। बट राइट नाउ मैं ना अपनी स्क्रिप्टिंग में थोड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग जितनी स्मूथ होगी फिर उसके बाद मैं उसको बहुत अच्छे से, जैसे होता है ना कि लाइफ में जो जो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा सर्च्ड हो रहे हैं, क्या क्या टूल्स लगते हैं, तो यस, तो देखा जाए हाँ काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं। मतलब दिखता है कि हाँ सोशल मीडिया पे हर चीज़ कंटेंट बड़ा रॉ आता होगा, बड़ा नेचुरल आता होगा, बट पीछे बहुत बैक स्टोरी रहती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देन YOLO, SEO, ये सब पे कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं, देन देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स। आई थिंक लाइक यू नो, लाइफ में मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फॉल्स है, बट अगर देखा जाए हम लोग इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले वेब में चले गए हैं दैट हमें हर चीज़ मिल जाती है। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि मेजरली एक बच्चा क्या प्रॉब्लम में गो थ्रू कर रहा है, मुझे उसके लिए कम से कम 200 पेजेस के गूगल सर्च में मिल जाएगी, या फिर कोरा में मुझे इतने सारे थ्रेड्स मिल जाएंगे कि मुझे वहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करने में मुश्किल आता नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को रिसर्च में करता हूँ, आई गो थ्रू आर्टिकल्स एंड देन आई फाइंड लाइक यू नो दीज पर्टिकुलर 12 क्वेश्चंस। हाँ, हैंड राइटिंग गंदी होगी, बट यस, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा है कि मैंने हाँ अपने एक्सपीरियंस के साथ भी यहाँ पे हर चीज़ को देख के, कि मतलब ऑब्वियसली एक एक इंसान लाइफ में क्या क्या गो थ्रू कर रहा है और क्या क्या भूल जा रहा है, मतलब इन फाइंडिंग देयर ड्रीम्स, गोल्स एंड एवरीथिंग, इस पर मैं पूरा का पूरा इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। अब सोचते हो कि सबसे पहले मैं माइक को क्या करता हूँ, छू के मैं करता हूँ झलक दिखला जा, मोमेंट झलक दिखला जा, फील आती है भाई। अच्छा पता नहीं ये मेरा थोड़ा सा ना पेट पीव कहता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ झलक दिखला जा, मतलब चल गया, मैं क्लासरूम में भी करता हूँ, बच्चे चल गया, नहीं चल गया था लाइक चल गया। तो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ एंकर, ये स्पॉटिफाई के बाय है। तो इसमें करना क्या होता है, मुझे बस पहले न्यू एपिसोड में जाना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन होती है, या तो तुम अपना खुद से अपलोड कर दो सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से यूज़ करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या तो तुम एपिसोड यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं करता हूँ क्रिएट एपिसोड, तो यहाँ पे मैं सीधा रिकॉर्ड करूँगा अपने माइक से, और फिर लाइब्रेरी से भी अगर उठा सकते हो तो उठा सकते हो, सॉन्ग्स अगर स्पॉटिफाई से डालना हो तो डाल सकते हो, कोई कॉपीराइट और ये सब का इशू नहीं आता है ये वो वाले सारे सॉन्ग्स, क्योंकि स्पॉटिफाई का ही रहता है, तो स्पॉटिफाई के पास इतने राइट्स होते हैं, यू कैन यूज़ इट, मैसेजेस यू कैन लाइक यू नो ऐड लिसनर वॉइस मैसेजेस, अगर आप कभी किसी फ़ोन से बात करते हो दैट कैन ऑल्सो बी डन हेयर। ट्रांजिशंस बीच बीच में जैसे साउंड इफेक्ट्स कुछ वो डालने होते, जैसे करके कुछ भी डालना, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो मैं अभी यहाँ से ये एपिसोड रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्ड बटन स्टार्ट कर दूँगा,
दैट्स हाउ इट गेट्स स्टार्टेड. फिर उसका पूरा पब्लिशिंग और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा. इट इज वन ऑफ दी गुड मतलब वेबसाइट जो मुझे लगता है फ्री है स्टार्टिंग के लेके, जो आपको मनी अर्न करने के लिए भी बहुत दिखाती है. तो अभी मैं तो वो नहीं दिखाऊंगा, बट यस इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. इट्स ओवरऑल अ गुड प्लेटफॉर्म. और आप इसमें ना एक वीडियो एपिसोड भी अपलोड कर सकते हो और वीडियो से ऑडियो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. जैसे अगर आपको लगता है कि आपने एक वीडियो यूट्यूबर हो, आप अपने ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके डालना चाहते हो एपिसोड्स का, यस रिकॉर्ड अ वीडियो एंड डेफिनेटली लाइक यू नो आप एक्सट्रैक्ट आउट करके फिर उसको एडिट यहाँ पे कर सकते हो. अब हमको पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले चाहिए गाने. इससे क्या होता है ना, इंस्पिरेशन मिलती है, फील आती है. आई एम ऑडियो ऑडिटरी लर्नर या फिर कह दो मैं म्यूजिक पर्सन हूँ, थोड़ा म्यूजिक की मुझे रिक्वायरमेंट होती है. चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं. कैमरे सामने थोड़ा नर्वस है सर, बट लेट्स डू इट. हे दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ आई नो तुम्हारी जिंदगी बहुत तेज तरार चल रही हो, शायद तुम अपने सपनों के क्लोज पहुंच भी गए हो, मगर आज का जो एपिसोड है वो आपको मोटिवेशनल से ज्यादा एक कुछ चीजों के बारे में, कुछ अहम चीजों के बारे में याद दिलाने का. कोई बात नहीं, आपको अगर ये पॉडकास्ट पूरा सुनना है तो आप स्पॉटिफाई पे जाके इसे सुन सकते हैं. सर्च डेली डोज ऑफ इमोशंस बाय समीर खान. मिडवे टू द पॉडकास्ट काफी इमोशनल जा रहा है, 4 हो गए आउट ऑफ 12 एंड देयर आर 8 मोर टू गो. मतलब आई फील लाइक माय ओल्ड सेल्फ टुडे. पता नहीं क्या ये होता ना कि बीच बीच में खो जाता हूँ अपने आप को, वो लाइफ ऐसी है, थोड़ा सा टीम को लीड करना पड़ता है. तो टुडे इन दिस पॉडकास्ट आई फील मोर ऑफ एन आर्टिस्ट व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग इट. ये तो आपको फिर मतलब नोटिस आप कर ही सकते हो जब मैं बोल रहा हूँगा जैसे बोल रहा हूँगा. बट इन टुडेज एपिसोड I could feel my old self, and that's a very beautiful feeling. I can't express it, but I really want to feel this way more. And I will, मतलब I can't promise myself that because obviously life की responsibilities ना आपको allow नहीं करती to be this artistic. And that was one major lesson जो मैंने बहुत पहले सीख लिया था. मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था अपनी आर्ट के लिए, बट तभी मुझे लोग वॉरियर ऑफ आर्ट कहते भी थे कि मैं लड़ रहा था अपनी आर्ट के लिए. बट बिलीव मी, आर्ट से पैसे नहीं कमाए जाते, मतलब पर्सनल आर्ट से तो नहीं कमाए जाते. मुझे पता है कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ लोग अपने आप को प्रूफ राइट कर चुके हैं इस चीज़ में, बट मैं नहीं कमा पाया. एंड ये मेरी फेलियर कह दो या फिर मेरे जैसे बहुत बहुत आर्टिस्ट मैंने अपने आप के सामने देखा है, बहुत शिद्दत से लिखते थे, हर चीज़ चेक करते थे, लाइक्स नहीं आते थे, शेयर्स नहीं होते थे. लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, नॉट एवरी वन विंस देयर. सबकी जर्नी भी सेम नहीं है. मेरे लिए ये लिखा था जो मैं आज जी रहा हूँ, एंड थैंक गॉड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू फील दिस वे, आर्टिस्टिक वे. एंड अगर तुम में से कोई भी एक आर्टिस्ट है एंड यू आर फॉरगेटिंग टू फील द वे हाउ एन आर्टिस्ट फील्स, इसको बयान नहीं किया जा सकता, इसको बस महसूस किया जा सकता है. फील कर लो, अच्छा लगेगा. चलो आई कम बैक टू दैट. भाई पानी ब्रेक, खांसी आ गई बीच में मुझे. बस दो और बचे हैं यार, दो और बचेंगे फिर एडिटिंग करूंगा, फिर खत्म करके सो जाऊंगा. टाइम हो गया है मेरे ख्याल से. कोई नहीं, वर्थ इट है, वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है. मोमेंट है भाई, मोमेंट है, हो जाएगा. मैं सो गया था 6-9 के बीच में, तो आज इसलिए मुझे ज़्यादा नींद आ नहीं रही. तो बाय दिस टाइम आई एम ऑन माई बेड एंड आई एम वेकिंग अप एट 4. तो ठीक है, चलता है. वैसे भी कल मेरा रेस्ट डे है जिम में, तो मैं जल्दी उठूंगा नहीं. मैं तो ठीक, इसको एडिटिंग करके. चलो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट. दो और बिना प्रोकास्टिनेशन के दो और ख़त्म करते हैं. चल ओके, तो दिस वुड बी लास्ट थिंक जो मुझे लास्ट चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई डू इट ऑन कैमरा. काफ़ी इमोशनल हो गया ये वाला एपिसोड, पर ठीक है. चलो समीर खान, यू कैन डू दिस. आखिरी एपिसोड का आखिरी
पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव थिंग्स. अब देखो मैं क्या बोलता हूँ. आखिरी और नंबर 12, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव थिंग्स. सोच, किसने सही कहा, सोच दुनिया बदल सकती है. एक ऐसी सोच आपकी मुसीबतों को आसान कर सकती है. सोच में बहुत पावर है और इस पावर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. स्पाइडरमैन कह गया है ना, विद ग्रेटर पावर्स कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब आपके पास एक सबसे बड़ी पावर आपके दिमाग में है, दैट इज थिंकिंग. ये आप डिसाइड करते हो आप क्या सोच रहे हो. तो पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव. बट पॉजिटिव सोचे तो सोचे कैसे, सवाल अच्छा है. पॉजिटिव होता क्या है पहले तो ये जानना चाहिए. जिंदगी में कुछ चीज़ें आपको रोक रही होती हैं, उसको छोड़ देना और जाने देने में पॉजिटिविटी है. मूविंग ऑन, लेटिंग गो, सब चीज़ें मुश्किल तब तक है जब तक पॉजिटिव और ऑप्टिमिज्म माइंडसेट नहीं है. तो सवाल अभी भी एक है, पॉजिटिव सोचे तो सोचे कैसे. सबसे पहले अपने आप को बताओ कि जिंदगी में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें हैं आपके पास. मुझे पता है अगर मैं अभी भी आपसे बोलूं कि आपके फिंगर टिप्स में वो एक इंसान का नाम अभी भी होगा जिसने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया, वो याद आज भी याद होगी जब आप सबसे ज़्यादा रोए, वो एक पल आज भी याद होगा जब आप किसी कॉम्पिटिशन में हार गए. मगर देखो आज खुद को, एक अलग जगह नहीं हो, अच्छी जगह नहीं हो. अगर आज उस सेम सिचुएशन में तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम अपग्रेडेड हो चुके हो. ये जो नज़रिया आया ना, ये जो सोच आई है, ये पॉजिटिविटी है. चीज़ों में अच्छाइयाँ देखो, अपॉर्चुनिटीज़ में खुद को होते हुए देखो. क्या हुआ, कोई बात नहीं, रिजेक्शन आ जाएगा, नहीं मिलेंगी चीज़ें, कुछ हो जाएगा बुरा. अगर लाइफ यही तो अनसर्टेनिटी है और इसको इंटरेस्टिंग यही अनसर्टेनिटी बनाती है, तो इतने हार्श मत हो और अपने आप को पॉजिटिव रखो. सो द लेसन नंबर 12 वॉज पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव थिंग्स. पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव देखो लोगों को देखोगे तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को करोगे तो पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे. दिस वॉज द 12 थिंग्स. तो अब इस एपिसोड को यहाँ पे करते हैं ख़त्म. एंड अगर आपने एंड तक ये सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई रियली होप कि ये जो 12 लेसन्स आपको मैंने आज बताई, 12 थिंग्स टू रिमेंबर मैंने आपको बताई, ये आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे. और कभी भी अगर लगे कि तुम परेशान हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तुम्हें मेरे पॉडकास्ट में तुरंत आ जाना है. क्योंकि ये पॉडकास्ट इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों के साथ ना एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में बार बार कर सकूँ जब आपको मेरी रिक्वायरमेंट हो. बिकॉज आई वॉन्ट टू बी देयर इन योर लाइफ. मैं एक ऐसा स्ट्रेंजर हूँ जो आपके साथ एक्चुअली में रहना चाहता हूँ, आपकी खुशियों में, आपकी सैड नाइट्स में, आपके हार्ट ब्रेक्स में और आपकी सक्सेस में. यही है मेरे डेली डोज ऑफ इमोशंस. तो कभी भी लगे मेरी याद आ रही है, इस पॉडकास्ट को प्ले कर दो और मैं आप ही के पास ही, आपके दिल में. तो थैंक यू ऑडियंस फॉर दिस लवली रिस्पॉन्स ऑन माई पॉडकास्ट. एंड इस पॉडकास्ट को अगर पसंद आया तो ज़रूर मुझे रिव्यू दे देना और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, दैट इज़ समीर SMERKHAN.LIFE. मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है. मुझे यूट्यूब पे भी आप फॉलो कर सकते हो, मैंने उसको अभी अभी स्टार्ट किया है. तो चैनल का नाम है लाइफ ऑफ समीर खान, मेरी ज़िंदगी लाइफ ऑफ समीर खान. तो प्लीज़ 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 अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर फॉलो करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपने मेरा पॉडकास्ट सुना. तो अभी के लिए अलविदा, अगले एपिसोड तक इंतज़ार रखिए. हो गया भाई, आई होप तुम्हें भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा. तो चलो
अब इस हाउ आई क्रिएट पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, मतलब इस पार्ट को थोड़ा एंड करेंगे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे एडिटिंग करूँगा, क्या करूँगा। ये टूल बहुत सिंप्लीफाइड है, एंकर का टूल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट मुझे अच्छा लगा। आई फेल्ट ऑल्सम एरियन में। तुम्हें मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कभी कभार तुम्हें भी अपने कुछ ऐसे वर्जन्स याद हो, या फिर तुम्हें महसूस करने के मौके मिलते हो। सो माई पॉडकास्ट डायरीज लॉक्ड, एंड ये रहा पेन, मेरा पेन स्टैंड में, और मैं ऐसे कर पाया बंद। और चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एडिटिंग कैसे करते हैं। ओके तो ये अब एडिटिंग के लिए क्या होगा कि मुझे जैसे यहाँ पे जाना है नीचे, ठीक है। तो जैसे मैंने जो पहला एपिसोड, ये तो सारे के सारे मैंने थिंग्स पे किया था, तो पहला ये आएगा। हाँ, फिर मुझे इसकी थोड़ी सी एडिटिंग वेडिटिंग भी करनी है, तो मैं अभी इसी सीक्वेंस में इसको यहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट करूँगा। तो जैसे आप देख रहे होगे, ये आपको सीक्वेंस में पेस्ट होते हुए दिख रहा है। तो कभी बार, हाँ, मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा इस चीज़ को। कई बार मैं डबल डबल कर देता हूँ, एंड ये मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में गलती की थी। तो इस बार मैं एक ध्यान से इस बार थोड़ा सुन लूँगा। मुझे पता वो 20 मिनट का पॉडकास्ट था, मेरी गलती वहाँ पर हुई थी कि मैंने उसे सुना नहीं था। तो ये मैंने जैसे लिख रखा है, इसमें मुझे कुछ एडिट करना है लास्ट में, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे देखो यहाँ पर लिख दिया। फिर अब ये सीक्वेंस में ही चलेगा। अब ये सीक्वेंस में यहाँ पर डलता जा रहा है। भाई साहब, ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट जा रहा है, मुझे इसको पार्ट्स में डिवाइड करके डालना चाहिए, आई थिंक सो। बट 42 मिनट का पॉडकास्ट गया ये। भाई साहब, मुझे 42 मिनट्स लगे इसको रिकॉर्ड करने में। चलो कोई नहीं, वो अच्छा गया, मतलब आई एम श्योर बच्चे इसको 20 मिनट तक तो सुनेंगे, मेरी ऑडियंस जो सुनेगी। जैसे ही है, हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। इट्स वर्किंग फाइन। अब मैं इसको एडिट वेडिट कर, मुझे थोड़ा सा भी करना होगा तो मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा। वैसे तो हाँ, मुझे एडिटिंग में अभी इसमें साउंड वाउंड तो डालने पड़ेंगे, या तो मैं इसको सोच रहा हूँ पूरा का पूरा डाउनलोड करके साउंड बाहर से डाल दूँ, तो ये भी ऑप्शन होती है मेरे पास। बट भी तो मैं बस ये देखूँगा पहले उस एडिट करने वाले को, एडिट कर लूँ मैं। हाँ, ये एडिट ऑडियो इसमें से गए, ये टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जैसे मुझे इसको लास्ट में एडिट करना है यहाँ से, क्योंकि मैं खास दिया था बीच में, वो नेचुरल होता है, अब मैं उसको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये अब ऐसे दिखा रहा है, पता नहीं किस खुशी में ऐसा दिखा रहा है, ये ऐसे करता है नहीं वैसे। अच्छा, ये अभी जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक करेगा नहीं ऐसे, समझ गया। तो दिस इज़ अ टूल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको एडिट कैसे करना है। जैसे मैंने अभी बताया, मैं अब इसको एडिट कैसे करना है। मैं यहाँ पे जैसे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे इशू ये आता है, मुझे अब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो पहले प्ले करना पड़ेगा कहाँ पे खासा हूँ मैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, मैं खासूंगा, इतना सा खासा हूँ मैं, तो मुझे इतना इसको यहाँ से करना है। तो स्प्लिट करूँगा फिर हटा दूंगा इसे। To our hearts. ये वाली लाइन से पूरा. Wear it. To our hearts. यहाँ से स्प्लिट मारूंगा. Wear it. ठीक है. To our hearts. अब इतना मार दूंगा डिलीट. ये हो गया पूरा डिलीट. ठीक. अब मैं इसको वापस कर दूंगा सेव. सेव एज मल्टीपल, नहीं नहीं सेव एज वन सेगमेंट काफ़ी है भाई. उड़ा दिया उसको मैंने. तो अब यहाँ पे ये सेव एज वन सेगमेंट होके वहाँ पे चला जाएगा. देखो यहाँ पे आ गया ये, यहीं पे. अभी इसको प्रोसेसिंग हो रहा है, ये होता रहेगा। मैंने भैया इसके वीडियो ट्रांसफर कर लिए, और पीछे तो मेरी आवाज़ सुन नहीं सकते हो। तो यस, ये मैंने पब्लिश कर दिया, न्यू एपिसोड है यहाँ पे। अब देखेंगे इसका क्या होगा। अभी ये लाइव हो रहा है, ये जैसे देखो सारे के सारे सेगमेंट हो गए, मैं एडिट कर सकता हूँ ऑडियो को। यस, आई वाज लिसनिंग टू माय ओन सेल्फ। मैं इसको जरा पॉज कर देता हूँ। यस, नाउ यू कैन सी। और मैं वही चेक कर रहा हूँ कि ये सब जगह, जैसे गूगल पॉडकास्ट हो, ये सब जगह कैसे अपलोड हो रहा है। तो ये प्रोसेस इतना सिंपल ही है, इतना मुश्किल सा है नहीं। आपने बस वहाँ पे जाके प्रोसेस कर दिया, ये जैसे मैंने इसका कैप्शन वैप्शन डाल दिया, पेस्ट कर दिया, ये सारे लिंक्स हैं यहाँ पे मेरे सारे चीज़ों को लेके। अब देखते हैं इसके कितने नंबर ऑफ प्लेस जाते हैं जैसे ये पब्लिश हो जाएगा हर जगह। सो दिस वॉज इट, आई होप यू रियली एंजॉयड एंड लाइक द एपिसोड, एंड अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। मेरा दिल नहीं मान रहा था बिना मतलब तुम्हें दिखाए इस वीडियो को एंड कर दूँ, तो बाय बाय। अब मैं करूँगा वीडियो एडिट, तो चलो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। बाय बाय।